उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित विद्वत समाज सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री सुनील द्विवेदी जी, सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष, हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री मेरे अत्यधिक प्रिय अजय मिश्र केवी जी, यहाँ उपस्थित हनुमानगढ़ी के पूजनीय महंत राजू जी, हमारे बड़े प्रिय जिन्होंने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, श्री वीरेंद्र तिवारी जी, श्री विनय मिश्र जी, हमारे सभी विद्वज्जन, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, आज मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है क्योंकि विद्वत समाज के सानिध्य में रहना स्वयं आनंद की अनुभूति कराता है। और मैं लगभग 2 वर्ष के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं, नहीं तो कार्यक्रम ऑनलाइन ही सब करता था। राजस्थान में राज्यपाल होने के नाते मेरे जिम्मे यहाँ कई विश्वविद्यालय भी हैं, 27 विश्वविद्यालय, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इसी ऑनलाइन के आधार पर लगभग 24 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में कर रहा है, जो डिग्री विद्यार्थियों को कई वर्षों तक नहीं मिला करती थी, सबको नियमित रूप से उनकी डिग्री भी प्राप्त हो। लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम भी ऑनलाइन ही करता रहा है। ये संचार माध्यम की तकनीकी का अपना करिश्मा है। संचार तकनीकी इससे बड़ी विकसित हो गई है कि परस्पर न मिलने के पश्चात भी वार्ता होती रहती है, परस्पर न मिलने के पश्चात भी संवाद होते रहते हैं, आप लोग के बीच में भी हमारा संवाद न मिलने के बाद भी हो सकता था, वहां से मैं जयपुर में रह करके कर सकता था, लेकिन नहीं, आज आपके सानिध्य में आकर के मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। विद्वज्जनों का जो सम्मान किया गया, लगभग सभी क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी अपना वैशिष्ट्य स्थापित किया है, चाहे छात्र जीवन का रहा हो, चाहे पत्रकारिता का रहा हो, जो किसानों को छोड़ दिया रहे, अच्छा चाहे किसान का रहा हो, सभी लोगों का उसमें जो उन्होंने वैशिष्ट हासिल किया है उनका सम्मान किया गया। सभी क्षेत्रों में विशेष ज्ञान के आधार पर वो क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयत्न के द्वारा किए जाते रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, सम्मान किया गया है, अभिनंदन किया गया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका पुनः अभिनंदन करता हूँ। भारतीय सेवा के अंतर्गत जो उन्होंने कार्य किया है, जो अवकाश प्राप्त हैं, IPS भी हैं, IAS भी हैं, ऐसे लोगों का भी सम्मान किया गया है। और मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सभी क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं और बड़े शांत पूर्वक, इतने मैं समझता हूँ कि 2 घंटे तो
करने के बाद भी शांत पूर्वक बैठे हुए, अर्थात ये कार्यक्रम उनके लिए भी बड़ा रुचिप्रद लग रहा है। और सही मायने में शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। और गैर राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो विषय रखा गया है वह भी समाज को आगे बढ़ाने की दृष्टि से किन चीजों की आवश्यकता होती है और उनको बढ़ाने में विद्वत जनों की क्या भूमिका है, यह विषय है। भारतीय संस्कृति और समाज उत्थान में विद्वत जनों की भूमिका, ये बताया गया विषय है। जब मैं ये देख रहा था तो इधर भी जो कुछ वातावरण का निर्माण हुआ है, लोगों ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर एक जात विशेष के सम्मेलन के रूप में रखा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन आदि आदि नाम से, तो मुझे पहले लगा कि कहीं इसी प्रकार का तो नहीं ये कार्यक्रम है, लेकिन वो प्रबुद्ध वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन के नाम पर जात विशेष ब्राह्मण का नाम लेकर जो सम्मेलन किए जा रहे हैं लोगों के अपने स्वार्थ की पूर्ति के दृष्टि में, उनको बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा होगा। और मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि उसमें जात विशेष को भी संकुचित करने का प्रयास किया गया है, उसके प्रति भी बड़ी सीमित नजरिया रखने की कोशिश की, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्राह्मण स्वयं में एक संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति वो संस्कृति बड़ी विशाल है, बड़ी विराट है। उस संस्कृति को प्रस्तुत करने में, विश्व के लिए अनुभूति दिलाने में वर्षानुवर्ष लगे। वैदिक काल से लेकर अब तक का समय उसके अंतर्गत व्यतीत हुआ है, तब जाकर वो संस्कृति बनी है। ऐसी विराट संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में कहा गया ब्रह्म में जो भ्रमण करता है, अर्थात ब्रह्म का व्यापकता, व्यापकता में जो भ्रमण करता है वो ब्राह्मण है। इसे ये जाति कैसे हो, मैं तो जाति के रूप में नहीं मानता। व्यापकता में, विशालता में, हृदय की विशालता, आत्मीयता की विशालता, मैं की विशालता, जिसके अंतर्गत पूर्ण रूप से पिरोए गए उसको ब्राह्मण कहा जा सकता है। और इसलिए समय समय पर उनके लिए ऋचाओं में, संहिताओं में, मंत्रों में विभिन्न नामों से कहा गया है। अब वो चीज उनको पर लागू होती है। पहले के काल में गीता में भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण नया सिस्टम गुण दोष विभागशः है। चतुर्वर्ण की जो मेरे द्वारा निर्मिति की गई है, यही गुण कर्म के हिसाब से की गई है, जो बौद्धिक जिससे सक्षम हो, ज्ञानवान हो, उसको ब्राह्मण कहा गया है। वो किसी विराजी का, किसी विराजी विशेष का नहीं, किसी भी क्षेत्र में। यहां बहुत से लोग हैं, विद्वज्जन हैं, सभी वर्ग के मैंने देखा आया नाम, तो एक ही विशेष जात की नहीं, तो सभी तरह के लोग हैं। उस क्षेत्र में उनका अपना विशिष्ट नाम है, तो इस प्रकार का विभाजन किया गया था। और इसलिए उसको उस रूप में लेकर चलना और विभिन्न नाम देकर, आकर्षक नाम देकर उस तरह का सम्मेलन करते हुए अपने स्वार्थ की सिद्धि करने का प्रयास करना, यह मैं समझता हूं विद्वत समाज की आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। और जो व्यापकता में रमण करता है उसको संकुचित करने की कोशिश की जा रही है। ये जो आज का एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम इस प्रकार की अनुभूति कराने की दृष्टि से है
क्या जो समाज का चित्र है, समाज के अंदर विभिन्न वर्ग, विभिन्न प्रकार की जातियां, इनको उभार करके समाज को ही जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको कैसे रोकना? क्षेत्रीयता को जिस तरीके से उभार कर राष्ट्रीयता को संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको कैसे ठीक करना है? चाहे किसी नाम पर हो, चाहे बिरादरी के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर हो, चाहे खान पान के नाम पर हो, रहन सहन के नाम पर हो, कई स्थानों पर इस तरह के नाम को लेकर एक दूसरे के अंदर अलगाव निर्माण करने का प्रयास चलता है। इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति समवाय की लगी है, सबको जोड़ने की लगी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय संस्कृति के बारे में जब बोलते थे तो एक बात का प्रयोग करते, परस्परावलंबन ही भारतीय संस्कृति है, परस्परावलंबन ही भारतीय संस्कृति है। और परस्परावलंबन का मतलब क्या है? एक दूसरे पर समावलंबी, सब एक दूसरे के लिए कामयाब है, सबका एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है, चाहे जीव जंतु होंगे, चाहे गिर गंगराएं होंगी, चाहे प्रकृति के अंदर रहने वाली सारी चीजें होंगी, चाहे मानव सृष्टि होगी, सब एक दूसरे के प्रति आरोपित है। इसलिए सबके प्रति भाईचारा का नाता है, इसलिए हमारे पेड़ भी पूजे जाते हैं, पत्थर भी पूजे जाते हैं, नदियां भी पूजी जाती है, पहाड़ पूजे जाते हैं, क्योंकि सब में हम जीवात्मा का दर्शन करते हैं, सब में हम अनुभव करते हैं, अरे ये तो इसके बगैर तो हमारा चल ही नहीं सकता। और इसलिए हमारे संस्कृति के अंतर्गत विश्व के अंदर शायद भारत ही पहला देश है, शायद नहीं निश्चित रूप से, जिसने विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया। और विश्व बंधुत्व की कल्पना ये तो मनुष्यों के अंतर्गत वसुधैव कुटुंबकम का भाव, वसुधा पर रहने वाला जो भी कुछ है सब हमारे परिवार के, ये कौन सोच सकता है जिसकी विशाल दृष्टि होगी, जिसकी उदार सोच होगी, जिसका उदार दृष्टिकोण होगा, यह उदार दृष्टिकोण जो ब्राह्मण जो आप कह रहे हैं इसके अंतर्गत आता है। मैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ रहा था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ा बहुत काफी व्यापक इसके बारे में वर्णन किया, समाज के बारे में, विभिन्न वर्गों के बारे में। तो वर्णन करते समय जब इसको परिभाषित किया गया है तो उसके अंतर्गत उन्होंने कहा इससे बड़ा दुष्कर्म कोई हो ही नहीं सकता था। कार्यक्रम के अनुसार क्षरण होता गया, तो क्षरण का दुष्परिणाम हुआ कि संकुचित दृष्टि लोगों के अंदर धीरे धीरे बनती गई। यह संकुचित दृष्टि हटानी पड़ेगी, विद्वत समाज इस दिशा में प्रयत्नशील हो सकता है। विद्वत समाज शब्दों के आडंबर में अपने को धारण करने वाला नहीं होता है, ज्ञान का भंडार भी होता है, लेकिन ज्ञानी कभी कभी दुराचारी भी हो जाते हैं। हमारे हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बहुत सारे उदाहरण है इस प्रकार के, बड़े ज्ञानी थे, बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन दुष्चरित थे, आदतारी थे, अन्यायी थे। लेकिन ज्ञान के साथ विवेक का होना बहुत जरूरी है। एक जगह कहा कि नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स, ज्ञान तो है लेकिन विवेक शून्य है, या विवेक शून्य ज्ञान कभी लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकता। ज्ञान और विवेक का सामंजस्य यह भारतीय संस्कृति की उपादेयता और भारतीय संस्कृति की सामूहिकता उसको आगे प्रकर्षण देने सक्षम हो सकता है, यही एकता और अक्षुणता का भाव पैदा कर सकता है।
अब ऋषि मनुष्यों ने प्रारंभ से इस बात को ध्यान दिया, बहुत प्रारंभ से उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का प्रयास संस्कृत भाषा के माध्यम से हमारे ऋषियों ने किया। आप सब लोगों को पता है अगस्त मुनि उत्तर के थे और उन्होंने भगवान शंकर से जाकर कहा कि आप कार्तिकेय को हमको दीजिए। उन्होंने कहा क्या करोगे कार्तिकेय को लेकर, इनको दक्षिण ले जाएंगे, ये दक्षिण ले जाकर क्या करोगे, ये दक्षिण में ले जाकर उत्तर और दक्षिण को एक करेंगे। कार्तिकेय के माध्यम से भगवान शंकर का साक्षात दर्शन होगा, दक्षिण वाले भी महसूस करेंगे कि कैलाश और दक्षिण का हिस्सा भी दोनों जुड़े हुए हैं, वह राजकीय एकत्व का प्रतीक और उसमें वर्णन मैं राधारी सिंह निकट को पढ़ रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। उन्होंने जो वर्णन किया है, उन्होंने कहा है कि अगस्त मुनि केवल इतना ही राजकीय एकता को केवल भौगोलिक दृष्टि से जोड़ रहा, ऐसा नहीं। उन्होंने दक्षिण के लोगों की भावना उत्तर के लोगों की भावना के साथ समरस हो जाए, जिस माध्यम से समरस होता है भाषा के माध्यम से, उस भाषा को भी लोगों को बताने का प्रयास किया जाए। वो भाषा कौन सी थी, देव भाषा संस्कृत, और देव भाषा संस्कृत तो लेकर दक्षिण में उन्होंने प्रयास किया। भगवान परशुराम का भी यही है, भगवान परशुराम दक्षिण में काफी भ्रमण किया। मैं गया था एक बार केरला, केरला में जाकर हमने देखा स्थान का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा स्थान था, उस स्थान पर उन्होंने बताया कि यहाँ भगवान परशुराम आए थे, यहाँ भगवान परशुराम की पूजा हो। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कहते अरुणाचल में भगवान परशुराम का कुंड है, अरुणाचल। इस प्रकार से ऋषि महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने पूरे देश का पूर्ण भ्रमण करते हुए भाषा के दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, सभ्यता और रहन-सहन की दृष्टि से सबको अनुभूति कराते हुए कि चाहे उत्तर का होगा चाहे दक्षिण का होगा, विभिन्न प्रकार की भाषा बोलता होगा, लेकिन सब मिलकर हम एक हैं, हमारा प्राण तत्व तो एक है, वो प्राण तत्व भारतीय संस्कृति है, भारतीय। जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने चिति कहा था, इस चिति के माध्यम से प्रादेशिक और देश को, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाने की दिशा में जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, इसी महर्षियों की बात तो अलग है लेकिन समय समय पर हमारे और विद्वानों ने किया है। कहते भारद्वाज ऋषि बहुत बड़े इंजीनियर थे और उन्होंने विमान, विमान जो यंत्र है, विमान जो वायुवान है, विमान को बनाने का जो पहला यंत्र दिया भगवान भरद्वाज ने दिया। गणित यहां की सबसे अधिक दुनिया के अंदर प्रचलित भी है, विख्यात भी है, आर्यभट्ट है, इनके बारे में हमें जानकारी है और ये बड़ी प्रसन्नता है। भारत सरकार ने इस समय जो राज्य शिक्षा नीति की घोषणा की है उसमें उन्होंने साफ कहा कि प्राचीन ज्ञान को आज के ज्ञान के साथ सामंजस्य बैठाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे, आम लोगों को उसको शिक्षा प्रदान करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। ये विद्वत समाज का सपना है, विद्वत समाज शिक्षक वर्ग उसको इसके लिए अध्यक्ष बनना पड़ेगा, सारी चीजों के बारे में उसको अच्छी जानकारी रखते हुए विद्यार्थियों को ठीक ढंग से शिक्षा दी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर शिक्षा उस दिशा में काम नहीं किया तो हमारा शिक्षार्थी, हमारा विद्यार्थी जैसा हम चाहते हैं वैसा वो नहीं बन पाएगा। अगर इसे उस दिशा में काम करने की जरूरत है जब हमारे पुराने काल में ऋषि महर्षियों ने पूरे देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाने की दिशा में लगातार काम किया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आम जन के अंदर एक संस्कृति की अनुभूति कराई, विभिन्न प्रकार की भाषा सभ्यता रहन सहन खान पान होने के बाद भी हम एक हैं, एक माँ की संतान हैं, ये भारत एक जीवंत स्वरूप है, भारत माँ एक जीवंत स्वरूप है और भारत माँ
हमें अपने आंचल में रख करके अपने स्तर का दूध पिलाकर हमें कुछ भी तो प्रलोभित कर रही है, इसको हम किसी तरीके से खंडित नहीं होने देंगे। यह अनुभूति कराया, यह अनुभूति केवल ज्ञान से नहीं होती है, यह अनुभूति विवेकशील मानसिकता से होती है, आचरण व्यवहार से। वो आचरण व्यवहार कैसा? सात्विक होना चाहिए, नैतिकता युक्त होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए। और बाद में मनु जैसे महात्मा ने मैं इस श्लोक का हर जगह उल्लेख करता हूं, दुदिक्षमा दवस्ते यम शौचम इंद्री दिग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशम धर्म। ये नैतिकता के लिए आवश्यक है, चाहे धैर्य हो, क्षमा समझ क्षमा हो, चाहे नियंत्रण करने की क्षमता हो, सामर्थ्य हो, चोरी नहीं करना, ये चोरी का भाव हो, दृढ़ क्षमा समझ शौचन जो पवित्रता हो, इंद्रिय जी के इंद्रियों पर नियंत्रण हो, शौचन जी के धीर विद्या, धीर माने विद्यमान, विद्या माने विद्यमान ज्ञान, ज्ञानवान धीर विद्या सत्यम क्रोध सत्य बोलने वाला और क्रोध क्रोध नहीं करने वाला, ये जिनके अंदर होता है उसको हम कह सकते हैं ये धार्मिक व्यक्ति है। धर्म कोई कर्मकांड नहीं है, धर्म सात्विकता का एक पुंज है। जिस व्यक्ति के अंदर सात्विकता का पुंज होगा वो विवेकशील होगा, और विवेकशील व्यक्ति ही विद्वज्जन होता है, और विवेकशील व्यक्ति विद्वज्जन होकर समाज और देश को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। आज इसकी आवश्यकता बहुत है। प्रारंभ में ही मैंने कहा समाज की स्थिति में समाज को कुछ लोग अलगाव की तरफ प्रवृत्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर उद्यमता का भाव बड़ी तेज साल बढ़ता जा रहा है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि किसी की पत्नी ने कह दिया कि सैनिटाइजर लगा दो, सैनिटाइजर जो भी हम लोग हाथ से लगा रहे थे कोरोना के दौरान, पति नाराज हो गया, तो नाराज ही नहीं हुआ उसका गला घोट कर मार डाला, आज अखबार में गला घोट कर मार डाला। अरे क्या हो रहा है, मां ने अगर बड़े बेटे को कुछ बोल दिया तो बेटा ने मां को मार डाला, इधर रोज समझदार पर हो गया। ये उदंडता नैतिकता का ह्रास, धार्मिक प्रवृत्ति जो आचरण व्यवहार में दिखनी चाहिए उसका क्षरण, धर्मो धारे ते प्रजा, ये शब्द का जो धारणा से धर्म क्या हो, धर्मो धारे ते प्रजा, अर्थात धर्म के अंतर्गत जो नैतिकता विद्यमान है वह नैतिकता अगर लोगों के अंदर आचरित हो जाए तो समाज का सही दिशा में संचालन हो सकता है। अर्जुन धर्मोधारे से प्रजा, इसलिए ऐसे नैतिकता युक्त जो लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रजा ठीक से चलेगी, पाप और पुण्य का ठीक से विश्लेषण कर सकेंगे, नीलशील विवेक कर सकेंगे। और इसी बात पर ज्यादा जोर दिया गया, और जब तक ये चीज नहीं आती है देवदत्ता बढ़ती जाएगी। अपने घर में अपनी बेटी के साथ, अपने घर में रहने वाली जो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाला घर में आदमी विद्वान है, ये क्या हो रहा है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। ये क्या शासन इसको समाप्त कर पाएगा, प्रशासन कर पाएगा नहीं, इसके समाज को जागृत करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे नैतिकता युक्त आचरण करने वाले व्यक्तित्व का आगे बढ़ना होगा। ये प्रेरित कौन करेगा, ये प्रेरित ये विद्वत समाज करेगा, ये विद्वत समाज, विद्वत समाज सभी बढ़ते हैं। आज हमारे लिए चुनौती पूरा हम देख रहे देश में, चाहे सामाजिक नेतृत्व वर्ग हो, चाहे हमारे विभिन्न प्रकार के संतगण हो, उपदेश और सारी चीज चलती है, लेकिन उपदेश
और भाषण चरमात्र भाषण होते हैं, उपदेश के अंतर्गत बताई गई चीजों को आचरण व्यवहार में जिस तरह से लाना चाहिए वो तो नहीं आ पा रहा है, और उसे ना आने के कारण एक क्षण होता जा रहा है। और आज हमारे सामने चुनौती है, विद्रोह समाज के सामने चुनौती है, हमें ठीक करना है कि नहीं ठीक करना है। विद्रोह समाज को सामूहिकता के आधार पर विचार करना पड़ेगा, और सामूहिकता के आधार पर विचार करना पड़ेगा तो जो हमारा आपस में विचार विमर्श करें, आप अपने संवाद करें, और विचार विमर्श के माध्यम से निकली हुई निकला हुआ जो तत्व है उस तत्व के अनुसार अपने आचरण व्यवहार को शुद्ध रखें। वह आचरण व्यवहार ही लोगों को प्रेरित करेगा, भाषण नहीं करेगा। सरदार मिश्रा भाषण कर रहे हैं कि भाषण नहीं प्रेरित करेगा, सरदार मिश्रा का अरे आचरण व्यवहार वैसा होगा तभी प्रेरित हो सकेंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ मेरा आचरण विश्वास व्यवहार वैसा हो, मेरे तरफ से प्रयत्न ही होता है। ऐसे में आपके बीच में ही कहने आया हूं, मैं तो आपके बीच में ही कहने आया था कि आज के दौर में अंतर्मुख होकर विचार करें, आज निरीक्षण करें कि आज की स्थिति में हमें क्या करना। और इसलिए आज के कार्यक्रम की सफलता इसी मानी जाएगी। मुझे मैंने तिवारी जी से आग्रह किया था, मेरे तिवारी जी से कैसा कार्यक्रम रखिए आप, उन्होंने कहा कार्यक्रम, और मैंने ये कहा मैं डॉक्टर महेंद्र पांडे को भी अच्छी तरह जानता हूं, अजय मिश्र को भी अच्छी तरह जानता हूं। महेंद्र पांडे को तो अब जाना ठीक नहीं होगा जब मैं सांस में लेके घुमाऊ, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा करके बड़ा भ्रमण करवाया है मैंने, मैंने कभी उनको उपदेश नहीं दिया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे कार्य करने के कारण जो उनको अनुभूति दी कैसा कार्य करना किसी संगठन के लिए किसी संस्थान के लिए, उसके अनुसार उन्होंने अपने को ढालने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। इसलिए जब ये भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्री बने, हमें लगा कि ऐसे लोगों को जब प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके माध्यम से बाकी के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसी ढंग से अजय मिश्र जी हैं, मैं लखीमपुर जाता था, इनसे भेंट होती थी, इनके घर पर भी कई बार गया हूं, और इनके बेटे को देखने में लगता है कि इनका बेटा ही इनका बड़ा भाई है इनके बेटे को आप देखेंगे तो इसे डॉक्टर है कि नहीं, आए है कि नहीं भाई, देखिए आप भी लोग अर्थात इन्होंने अपने शरीर को भी ठीक रखा है, सोच भी ठीक रखी है, और मेरे बड़े प्रिय लोग हैं, कारण से है विनोद जी हैं, ये हैं सरदाजी हैं, कभी कभी सब बड़े प्रिय लोग हैं। तो इन्होंने जब मंत्री बनाया गया इनको, मैं चाहता था ये मंत्री बने, जब मैं था संसद में तो उसमें लोकसभा में जो इनका भाषण होता था बहुत अच्छा होता था, मैं बहुत पसंद करता कि विदेश में ही जाए इतने पार्लियामेंट के काम पुस्तक है ना, एक बार इन्होंने नेतृत्व किया था, तुम कभी थे सब बोले वाले थे, हम सोचते थे कि अभी क्या चल पाएगा, देखा कि नहीं हमने ऐसा ऐसा किया, बड़े प्रश्न उस प्रकार की योग्यता है, नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है, और भारत सरकार में इनको ले लिया गया, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मतलब इनको गृह मंत्रालय प्राप्त हुआ उससे भी बड़ी आनंद की अनुभूति कराई। तो मेरी इच्छा रही कि इन्हों को विभिन्न कार्यक्रमों में कुछ न कुछ कह करके बुलवाया जाए, ताकि ये लोग अपने अनुभव को अपने विचार को लोग सानिध्य करें, ताकि बाकी के लोग भी इनसे प्रेरित हो सके। अजय तिवारी से मैंने आग्रह किया कि कार्यक्रम ऐसा रखिए, मैं भी आना चाहता हूं, और इन लोगों को बुलाइए,
मैं तिवारी जी को बधाई दूंगा, तिवारी जी को साधुवाद दूंगा कि कार्यक्रम रखा, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। यही इतना जरूर है कि कोरोना का अभी बुरी मत, आप लोग मास्क लगाना चाहिए भाई, आप लोग मास्क लगाना चाहिए। और मैं तो कहता था दूरी मेंटेन रहे, लेकिन हम जगह है इससे नहीं हो पाई कोरोना के कारण में, सारी चीजें भूलती रही है। इसको अभी गंभीरता से ही लेकर चलने की जरूरत है, अभी खत्म नहीं हुआ है, किस रूप में आएगा कैसे आएगा कुछ पता नहीं। इसलिए इसके दृष्टि से भी सब लोग बड़े सावधान रहे, मास्क लगाए और दूरी मेंटेन करें। यहाँ तो दूरी नहीं मेंटेन हो पा रही, तो इतनी बड़ी संख्या में किया, इसलिए मैं तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, मित्र जनों को थोड़ा सम्मान करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं ऐसे भी ऐसे सभी विद्वत जनों को अभिवादन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।